Okay, let us discuss. So, very good evening to everyone. Let us discuss what is mind. ये mind तो बहुत सुना है आपने, ये है क्या? देखिए, दुर्गा सप्तशती में एक श्लोक है, मनो बुद्धि अहंकार चित्त रूपा चिताचिति। मन, बुद्धि, अहंकार और चित्त, दीज आर दी फोर पार्ट्स ऑफ माइंड। अगर तुम माइंड का एक पाई चार्ट बना लो, ऐसे चार भाग करके 25-25% ही कर लो, ऐसे मान लो, तो इसमें मन आएगा, बुद्धि आएगी, अहंकार होगा और चित्त होगा। ये चार चीज़ें हैं और इसमें सबसे अधिक डोमिनेटिंग जो है वो अहंकार है, ठीक है। अहंकार बाकी तीनों को कंट्रोल करता है। पहले समझ लेते हैं एक एक पार्ट की क्या है ये मन। क्या है मन? माइंड का वो भाग है जो हर समय आपको कुछ ना कुछ सोचता रहता है, आज मैं ये करूँगा, आज मैं वो करूँगा, ये मन है। मुझे ऐसा करना है, मुझे ये खाना है। अच्छा, वो गलत सही का निर्णय नहीं कर पाता मन। मन बस कहता रहता है, इसको मार दो, ये ख़राब है, ये बुरा है, हाँ इसको मारा जाए, इसको कूटा जाए, आज चलो इसको पिटाई करते हैं। तो ये जो जितने भी थॉट्स हैं, ये बुरा है, ये ऐसा है, ये वैसा है, ये सब मन है। चलो हम लोग जो गैर कानूनी काम भी है वो भी मन ही बताता है, इसको ये करो, वो करो, चलो चोरी कर लेते हैं, ये सब तरह तरह की चीज़ें, ठीक है। तो मन वो है जो मन ही है बस, मतलब जो हर समय उसका काम है सोचना, और वो उसको इसको इस वो ये डिफरेंशिएट नहीं करता। इट नेवर डिफरेंशिएट व्हाट इज़ राइट और रॉन्ग। द सिंपल वर्क इज़ इट एक्चुअली थिंक्स एंड थिंक्स एंड थिंक्स, दैट इज़ ऑल। अब अगर मन जो जो सोचता है वो करने लगे तो इस पृथ्वी में हाहाकार मच जाए मनुष्य का, ठीक है ना। वो सबकी अब पड़ोस वाली बीबी अच्छी लगती है सबको, तो सब पड़ोस वाली बीबी के पास ही जाके सोएंगे, तो हाहाकार वैसे ही मच जाएगा इस पृथ्वी पर, ठीक है। सो द पॉइंट इज, तो ये मन तो ऐसा कहता है, लेकिन उसके ऊपर फिर एक बिठाया इन्होंने बुद्धि या इंटेलेक्ट, क्योंकि कैसे किसी चीज़ को कंट्रोल किया जाएगा, किसी एक प्राणी को कैसे कंट्रोल करेंगे। तो अब बुद्धि क्या है? इट इज़ गोइंग टू डिफरेंशिएट व्हाट इज़ राइट एंड व्हाट इज़ रॉन्ग, क्योंकि मन तो इतनी सारी चीज़ें बुद्धि के पास भेज ही रहा है, तो वो उसमें से डिफरेंशिएट करता है फिर कि भैया ये सही है, आप पड़ोसी की बीवी के यहाँ सोगे तो मारे जाओगे, अवैध संबंध एडल्ट्री करोगे तो मारे जाओगे, चोरी करोगे तो मारे जाओगे, मर्डर करोगे तो मारे जाओगे, ये करोगे तो मारे जाओगे, ठीक है। तो कहता है नहीं नहीं जी, मैं ये तो करूँगा ही नहीं, ठीक है। तो ये दूसरी चीज़ है जो कि आपको बता रहा है कि बुद्धि कि हाउ टू डिफरेंशिएट, यू नो, व्हाट इज़ राइट एंड व्हाट इज़ रॉन्ग। तो आप अपनी बुद्धि के लेवल पे उसे करते हो, वो जिस हिसाब से उसकी प्रोग्रामिंग की गई है माइंड की या बुद्धि की, वो उस हिसाब से उसको मन की चीज़ों को जज करके उसमें से राइट रॉन्ग निकाल के ख़त्म करता रहता है। फिर माइंड का तीसरा पार्ट अहंकार आता है, ईगो, विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। ईगो पर मैंने एक वीडियो बना रखा है मैंने ईगो पर, ओके। तो वो ईगो क्या है वो आपको मैंने बताया था। ईगो इज़ एक्चुअली, ईगो ही सब कुछ है, ईगो ही इन तीनों का संरक्षक है। जो मन, बुद्धि और चित्त हैं, ये इस ईगो के ही भरोसे बैठे रहते हैं। अगर ईगो को उड़ा दिया जाए तो ये सब उड़ जाएंगे, ये नहीं रहेंगे, इनका अस्तित्व ख़त्म हो जाएगा, ठीक है। तो ईगो क्या है? ईगो का मतलब है आइडेंटिटी। ईगो इज़ एक्चुअली योर आइडेंटिटी। जैसे आप कहते हैं मैं वहाँ गया था, मैंने ये किया, आपका होना, ठीक है, जो ये कहता है कि तुम हो, बस दैट इज़ अहंकार, ठीक है। वो कहेगा आज मैंने खाना खाया, अभी मैं खाना खा रहा हूँ, ये जो कह रहा है, ये जो सोच रहा है, ये जो कह रहा है तुमसे, वो अहंकार है कि तुम हो, आज मैं वहाँ गया था, आज मैंने ये किया, ठीक है। जिस दिन ये ख़त्म हो जाएगा, जिस दिन ये ख़त्म हो जाएगा, तो उस दिन तुम ये सोचना ही बंद कर दोगे कि मैं गया था, क्योंकि तुम रहोगे ही नहीं, और जब तुम नहीं होते तो फिर वो हो जाता है। जब मैं था तब हरी नहीं और हरी हैं, अब मैं नहीं, सब अंधियारा मिट गया जब दीपक देखा माई। तो अहंकार ही वो सबसे बड़ी चीज़ है, ठीक है, जो तुम हो, जो कहता है कि तुम हो, और अगर तुम नहीं हो तो बस सब कुछ आनंद ही आनंद है, तुम्हारा होना ही तो समस्या है। अगर तुम इस बारे में कभी गौर करोगे तो तुम पाओगे कि तुम्हारा होना ही एक समस्या है, और तुम नहीं होते हो तो सारी समस्याएं खत्म हो जाती हैं।
ठीक है, तो ये अहंकार है। अब उसके बाद एक चीज़ बच गई, इसका चौथा पार्ट है चित्त। पतंजलि ने योग सूत्र में पहले लिखा चित्त वृत्ति निरोध, कि चित्त में जितनी भी वृत्तियाँ हैं उनका निरोध करो। और जहाँ तक मैं चित्त को समझ पाया हूँ, वैसे गूगल में डाल के देखोगे तो चित्त की डेफिनेशन आ जाएगी, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि चित्त एक और मन का एक भाई है, ठीक है, जो कि थोड़ा सा और फिल्टर्ड है, ठीक है। और इसको थोड़ा सा, चित्त क्या है, चित्त इज़ एक्चुअली द स्पिरिचुअल पार्ट, अगर मैं वैसे कहूँ तो। देखो मैं बताऊँ, मन, बुद्धि और अहंकार, अगर आपको भगवान की प्राप्ति होनी है तो इसमें अहंकार ख़त्म हो जाएगा और मन ख़त्म हो जाएगा, ये दो चीज़ें ख़त्म हो जाएंगी, समझना ध्यान से, ठीक है, ये दो चीज़ें ख़त्म हो जाएंगी। बुद्धि वो तुम्हें एक अलग क्वालिटी की देगा, उसे रितंबरा बुद्धि कहते हैं, ठीक है। बुद्धि की भी कई वेराइटीज़ होती हैं, देर आर फाइव टाइप्स ऑफ बुद्धिज, ओके। उसमें जो रितंबरा बुद्धि है उससे ही भगवान को जाना जा सकता है, इसलिए बुद्धि कभी ख़त्म नहीं होती है, बुद्धि में कन्वर्जन होता है, ठीक है। ही विल गिव यू अ सेपरेट टाइप ऑफ यू नो इंटेलेक्ट टू थिंक अबाउट हिम, तो वो एक रितंबरा बुद्धि होती है, वो तुम्हारे ऊपर आके बैठेगी, तब तुम्हें भगवान समझ सकते हो, वो इस माइंड से नहीं जो तुम्हारे पास प्रेजेंटली दिया हुआ है, ठीक है। तो अगर भगवान की तरफ आप जा रहे हैं तो मन और अहंकार ये सब खत्म हो जाएंगे। ऑल दो अहंकार कुछ हद तक बुद्धि को कंट्रोल करता है, लेकिन जब आप रितंबरा बुद्धि होती है तो बुद्धि रुकती है, ठीक है। तो बुद्धि और चित्त ये बचते हैं, चित्त सहयोगी है। अगर तुमने चित्त की वृत्तियों को निरोध कर लिया और चित्त में भगवान के लिए यह भाव पैदा किए, भाव चित्त में पैदा होते हैं, मन में नहीं पैदा होते, ठीक है। अब वो कहते तो हैं मन में भाव पैदा हो रहे हैं, लेकिन जहाँ तक मैं समझ पाया हूँ कि चित्त जो है वो एक, मतलब इट इज़ मोर प्यूरिफाइड एंड क्लेरिफाइड फॉर्म के ऑफ मन। और ये क्या करता है, ये इसको, मतलब इसकी इसका जब शुद्धि होती है, ओके, तो ये हमें आगे बढ़ा सकता है, ठीक है। तो ये बेसिकली चार मेन पार्ट्स हैं माइंड के, और मुझे मैं समझता हूँ कि आपकी समझ में आ गया है कि माइंड क्या है, ठीक है। तो उम्मीद है आप अपने माइंड को समझ लेंगे, ठीक है, थैंक यू।